सो चलिए गाइस, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आप कैसे मीथेन को इथेन में कन्वर्ट कर सकते हो बिल्कुल इजी मेथड से, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। इस वीडियो के अंदर बच्चों आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, तो वीडियो बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है बिल्कुल अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर हम सबसे पहले बात करें मीथेन की, तो मीथेन आपका एक एल्केन होता है, और दूसरी तरफ जो बच्चों आपका इथेन है, इथेन भी आपका एक एल्केन होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इथेन का फॉर्मूला होता है आपका C2H6। तो यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों, एल्केन से एल्केन में जाना है। बस यहाँ पे मेन काम क्या है आपका, मेन काम ये है, मीथेन के अंदर आपका एक कार्बन होता है, इथेन के अंदर आपके दो कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे आपको बस एक कार्बन बढ़ाना है, या आप ऐसे बोल सकते हो भाई मीथेन के अंदर एक कार्बन, इथेन के अंदर आपके दो कार्बन, यहाँ पे आपको कार्बन जस्ट डबल कर देने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करने के लिए बस हम यहाँ पे दो स्टेप फॉलो करेंगे। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, मीथेन हमारा एक एल्केन है, तो हम एल्केन को एल्काइल लाइड में कन्वर्ट करेंगे। और एल्केन को एल्काइल लाइड में कन्वर्ट करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है आपका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करेंगे। क्लोरीनेशन का मतलब क्या है, एल्केन है यानी जो हमारा मीथेन है उसकी रिएक्शन हम क्लोरीन से करेंगे। अब देखो कैसे होगा, चलिए फटाफट से कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, जो हमारा मीथेन है CH4, इसकी रिएक्शन हम किससे करेंगे, क्लोरीन गैस से करेंगे, यानी क्लोरीन से कर देंगे। ये क्लोरीनेशन है, और ये रिएक्शन बच्चों आपकी किसकी प्रेजेंस में होगी, ये रिएक्शन होगी आपकी लाइट की प्रेजेंस में। लाइट, लाइट आपकी एक एनर्जी की फॉर्म है, तो कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिल सकता है H nu आपका क्या होता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है। अब बच्चों आपको ऐसे यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला, तो इसे मैं थोड़ा ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको चीजें बेहतर नजर आए और आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखो यहाँ पे कैसे भाई, जो हमारा CH4 है, CH4 के अंदर हमारा क्या होता है, जो आपका कार्बन है चार बॉन्ड बनाकर रखता है, 1, 2, 3, 4 ऐसे। अब जो दूसरा बच्चों क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, इसके अंदर आपके दो एटम होते हैं क्लोरीन के, इनके बीच में होता है सिंगल बॉन्ड इस तरीके से। अब यहाँ पे आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपके बॉन्ड टूटेंगे, पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना, ये तो आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे बच्चों क्लोरीन से क्लोरीन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा, और कार्बन से हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूटना है, कोई सा भी तोड़ दो, मान लो इस कार्बन से इस हाइड्रोजन के बीच का एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो बॉन्ड टूटते हैं बच्चों, इन बॉन्ड को तोड़ने में हेल्प कौन करवाता है, आपका लाइट, एनर्जी, एनर्जी से हेल्प आपके बॉन्ड टूटते हैं। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए जो हमारी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर जो आपके बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है, बॉन्ड की जो क्लीवेज होती है, वो टू टाइप से हो सकती है, एक होती है आपकी होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, एक होती है आपकी हेटरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज। तो यहाँ पे आपकी कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी। होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में बच्चों आपको क्या होता है, बॉन्ड टूटने के बाद दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेते हैं, और हेटरोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज में क्या होता है, बॉन्ड टूटने के बाद दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ले लेता है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी क्लीवेज होगी, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगी। तो आपने ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको भी। तो होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, तो क्लोरीन से क्लोरीन के बीच में आपको नजर आ रहा है सिंगल बॉन्ड है। इस सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या है, यानी इस बॉन्ड के अंदर भाई एक इलेक्ट्रॉन तो इस क्लोरीन का होगा, और वाइस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का होगा, यानी दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब होमोलाइटिक बॉन्ड के लिए क्या होगा, यानी बॉन्ड आपका बिल्कुल यूनिफॉर्मली यानी सिमेट्रिकली टूटेगा एक साथ तरीके से ऐसे। अब बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ये वाला क्लोरीन अपना वापस ले लेगा, और ये वाला अपना वापस ले लेगा। और होमोलाइटिक बॉन्ड के लिए हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे दिखाते हैं, हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। हाफ हेडेड एरो आपका कैसा होता है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इसका है, तो बॉन्ड टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, हाफ हेड बनाना है आपको, और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, हाफ ऐड दिखा रहा है भाई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। अब देखो ऐसे आपके क्या बनेंगे, फिर रेडिकल बन जाएंगे भाई, इसने अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया तो इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, इसने भी ले लिया इसके ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इनके पास देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। यानी ऐसे स्पीसी जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगी आपके क्या होते हैं बच्चों, आपके फ्री रेडिकल होते हैं, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों भाई, अब आपके क्या अनस्टेबल, इनके पास देखो एक एक फ्री रेड इलेक्ट्रॉन है, नहीं इनके पास एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो आपके क्या बन गए, फ्री रेडिकल बन गए। तो अब आपको पता चल गया होगा फ्री रेडिकल आपके होते क्या है। अब दूसरे बच्चों कार्बन से हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड, ये भी आपका होमोलाइटिकली टूटेगा। ये कैसे टूटेगा भाई, इस बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का होगा एक हाइड्रोजन का होगा, तो ये भी आपको यूनिफॉर्मली टूट लेगा, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन वापस अपना ये ले लेगा। अब देखो यहाँ पे कौन कौन से फ्री रेडिकल बनेंगे, एक तो आपका क्या बचा, सी के साथ 3H बच जाएंगे, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन आ गया, और इधर हाइड्रोजन के पास भी आ गया, तो ये आपका मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, ये आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया, और ये आपके क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गया। तो दो आपके क्लोरीन फ्री रेडिकल हो गए, एक आपका मिथाइल फ्री रेडिकल हो गया, एक आपका हाइड्रोजन फ्री रेडिकल हो गया। अब चेक करो बच्चों, अब आपका क्या होगा, जो आपका मिथाइल फ्री रेडिकल है इसके पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ऐसे इस वाले क्लोरीन के फ्री रेडिकल के पास भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे ऐसे वाला हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल इस वाले क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ से आपके क्या बनेंगे भाई, देखो CH3 Cl बन जाएगा, आपका क्या अल्काइलाइड बन गया भाई, आपका क्या मिथाइल क्लोराइड, ये आपका अल्काइल ग्रुप होता है मिथाइल, और एक्स आपका क्या होता है हैलोजन होता है, यानी आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपके हैलोजन होते हैं, तो आपका मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो आपका जो वाला अल्काइलाइड बना, अगर इसकी नेमिंग की बात करें तो इसका कॉमन नेम है मिथाइल क्लोराइड, और इसका IUPAC नेम होता है क्लोरोमीथेन, प्लस आपका क्या बन गया HCl। तो देखो आपने पूरा स्टेप देख लिया। अब आप कहोगे सर हमें तो बहुत टाइम लगा कैसे करने पे, आपको किसी को समझाना थोड़ा नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट आपको सीखने के लिए था जिससे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर नजर आए और आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। तो आप इसे शॉर्ट में कैसे करोगे भाई, तो यहाँ से भाई एक एच तो Cl के साथ चला जाएगा और एक Cl यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो ये तो ऐसे पूरा खेल। तो आपका क्या बन गया CH3
सीएल ये आपका बन गया, और बाई प्रोडक्ट यहाँ से क्या निकला एच सी एल, आपको तो बस ऐसे कर देना है, ये तो आपको समझाया मैंने सब कुछ। अब बच्चों सेकंड स्टेप करेंगे इसके बाद, अब यहाँ तक देखो हमारा एल्काइलाइड तो बन गया, अब सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों, हमारे पास जो आपका एल्काइलाइड है इसे हम फिर से वापस कन्वर्ट करेंगे एल्केन में, यानी इथेन में कन्वर्ट करना है। तो हमें कार्बन डबल करने के लिए जो सबसे फेमस रिएक्शन होती है आपकी वो होती है आपकी वुड्स रिएक्शन, यानी यहाँ से क्या होता है बच्चों वुड्स रिएक्शन में आपको एल्काइलाइड से एल्केन मिलते हैं और डबल कार्बन के मिलते हैं। अब वुड्स रिएक्शन में आपको क्या करना है, जो भी आपका एल्काइलाइड है उसकी रिएक्शन कर दो सोडियम मेटल से, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों सेकंड स्टेप करेंगे, तो सेकंड स्टेप बच्चों हम रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल से बच्चों में रिएक्शन करेंगे, और यहाँ बच्चों में सोडियम के दो एटम लेने पड़ते हैं, तो यहाँ पे हमें दो लेंगे और एल्काइलाइड भी बच्चों में यहाँ पे दो यूनिट लेनी पड़ती है, और किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी आपकी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आपकी रिएक्शन होगी। तो बच्चे अभी थोड़ा मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ जिससे आपको सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से नजर आ जाएं। तो देखो CH3Cl के यहाँ पे आपके दो यूनिट है, तो एक यूनिट आपने लिख ली CH3Cl प्लस दो Na आपके, तो Na प्लस Na ने ओपन करके लिख लो, एक यूनिट और बचा आपके CH3Cl के, एक मॉलिक्यूल और बचा उसे फ्लिप करके लिख लो, ऐसे घुमा के लिख लो CH3, आपने ऐसे कर लिया। अब देखो आपका क्या होता है, एक Na एक Cl को ले जाता है इस रिएक्शन के अंदर, और एक Na दूसरे वाले के Cl को ले जाता है। अब आपका क्या बचा, देखो CH3 के अंदर इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, ऐसे यहाँ पे इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड फ्री हो गया, तो इन दोनों एल्काइल ग्रुप यानी दोनों मिथाइल आपस में बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है बच्चों फाइनली बन जाता है CH3 ऐसे बन जाता है आपका, वहीं आपस में बॉन्ड बना लेंगे और बाहर क्या निकलते हैं बाई प्रोडक्ट यहाँ से निकलते हैं NaCl, तो 2NaCl यहाँ से आपके बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे आपकी रिएक्शन होगी, तो मैं इसे ऊपर करके दिखाता हूँ, आप तो को ऐसे शॉर्ट में करना है, आपको किसी को थोड़ा ही समझाना है। तो यहाँ पे देखो दो Cl है, ये दो Na के साथ निकल जाएंगे, और ये जो दोनों CH3 हैं आपस में जुड़ जाएंगे, तो CH3 हो गया कार्बन डबल, और प्लस 2NaCl आपका बाई प्रोडक्ट में बाहर निकल गया। CH3 आपका क्या है, कार्बन से कार्बन बीच सिंगल बॉन्ड और दो कार्बन, तो इथेन यानी एल्केन ही तो है, तो इथेन, और आपको पता भी इसका फॉर्मूला है C2H6, इथेन तो आपका C2H6, आपने पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे सीख लिया। तो यहाँ मैंने आपको बहुत सारी चीजें सिखाने की कोशिश की बच्चों, तो इसके बाद में जितने भी ऐसी कन्वर्जन की वीडियो लेकर आऊंगा मैं सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो बाय, लव यू गाइस।